दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 की नई सूची आ चुकी है। बहुत लोगों का नाम इसमें जुड़ा गया है। अगर जिसका भी अगर इस लिस्ट में नाम होता है तो उसको 1,30,000 रुपये उसके डायरेक्ट खाते मिलेगा। और 1,30,000 रुपये आपको एक बार में नहीं मिलेगा, 3 किस्त में मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि 3 किस्त में इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये पैसा एक बार में देने पर लोग खा जाते हैं। और एक बार में 3 किस्त में मिलेगा, तो 1 किस्त मिलने के बाद आप घर बनवाना शुरू करेंगे तो दूसरी किस्त आपको मिलेगी। इस प्रकार से आपको 3 किस्त में पूरे पैसे आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2020-21 की नई सूची आप कैसे देखेंगे अपने मोबाइल से घर बैठे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे, यहाँ पर लाइक वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी को बजा के ऑल कर दे, और यहाँ से वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उनका भी सूची में लाभ मिले। और यहाँ पे कमेंट में आपको कमेंट करना है कि आप किस राज्य के रहने वाले, भारत के, मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हूँ तो यूपी मैंने लिख कर यहाँ पर सबमिट कर दिया। आप किस राज्य के रहने वाले हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, गूगल में ये एप्लीकेशन होगा क्रोम, आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये गूगल ओपन होगा। इसमें आपको सर्च करना है एक योजना की वेबसाइट, जहां से आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची में नाम देख सकते हैं। तो जिसका नाम है यहाँ पर टेक्नो राशि आवास, स्पेलिंग बिल्कुल सही से होनी चाहिए। मैं बार बार आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, स्पेलिंग बिल्कुल सही से होनी चाहिए। टेक्नो राशि आवास स्पेलिंग अगर सही सही रहेगी तभी आप अपनी नई सूची में नाम देख पाएंगे प्रधानमंत्री योजना के। अगर दोस्तों आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको 1,30,000 मिलेगा अगर आपके पास कच्चा मकान है तो जैसे ही आप सर्च करोगे टेक्नो राशि आवास लिख कर अच्छे से, तो यहां पे आपको मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2020-21 की नई सूची, सहायता राशि प्रदान कर रही है सरकार। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये चीज आएगा, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करके सारी चीजें पढ़ लेनी है और आप सीधे डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे यहाँ प्रधानमंत्री की। और उसके बाद यहाँ पर हाउस प्रोसेस अग्नेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है सेकेंड नंबर पे। और यहाँ पे ऑल स्टेट है तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका राज्य है। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरा जो कि जिला है बनारस है, तो मैंने बनारस सेलेक्ट कर लिया, वाराणसी। उसके बाद मेरा जो ब्लॉक है काशी विद्यापीठ है। उसके बाद मेरा जो फाइनली जो गाँव है अखरी है, तो मैं यहाँ पे अखरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना लिस्ट देखने के लिए इस गांव की। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर लिस्ट आ गई नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्मला, वीला, उषा, रेखा, गुड्डू, मीना सब यहाँ पर लेडीज के नाम पर ले रखे हैं। साइलो यहाँ मैरिड, मैरिड कुछ विडो यानी विधवा भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका, देखिए 3 किस्त मिल चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पर देखिए पहली किस्त हाउस सेक्शन हुआ और पहला किस्त भी इनको मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 प्रपोज, यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर ऐड हुए हैं, यानी कि इनके लिए अभी पैसा कोई किस्त नहीं है, लेकिन ये पास हो गया है, यहाँ पे पैसे आएगा। और यहाँ पे 1,20,000 आपको सो रहा है, लेकिन अब आपको मिलेगा 1,30,000 रुपये, ठीक है, अगर गाँव के हैं तो कुल मिला जुला कर फटाफट आपको करना क्या होगा, फटाफट आप अपने मोबाइल के गूगल में जाकर, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में गूगल में जाकर यहाँ पे टेक्नो राशि आवास आपको इस तरीके से सर्च करना, लिख कर यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना 2020-21 की नई सूची का लिस्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।